सो वी जस्ट रीच द लोकेशन, यहाँ से हम बाइसाइकिल राइड करके अयोध्या टेम्पल पे जाएंगे। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू एक्सपीरियंस बिकॉज मैंने बहुत टाइम से बाइसाइकिल राइड नहीं किया है। विद ऑल दिस बैग्स एंड एवरीथिंग आई एम गोना राइड, लेट्स गो। राइडिंग साइकिल आफ्टर लाइक 10 ईयर्स, स्कूल में चलाई थी उसके बाद कभी नहीं चलाई। इट फील्स डिफरेंट डेफिनेटली। सो दिस अयोध्या टेम्पल इज इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द थाईलैंड, चेंग मई साइड पे है। यहाँ पे कम लोग विजिट करते हैं, तो मैं आपको यहाँ की जगह के बारे में बताता हूँ। 1500 में ना, 15वीं सदी में उस टाइम पे ये जगह यहाँ की कैपिटल हुआ करती थी। आई मीन इस पूरे थाईलैंड की कैपिटल थी, बट बर्मीज ने यहाँ पे अटैक किया, इसको पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा रियूज हो चुका है यहाँ पे अभी, और अब इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। सो इफ यू कमिंग टू नॉर्दर्न साइड यू शुड विजिट दिस। लाइक अगर आप थाईलैंड में हो, फुकेट साइड और ये वाली साइड कम्प्लीटली डिफरेंट है, यू विल गेट अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। या दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग, लाइक इट्स सो पीसफुल राइट नाउ। Al, what is this? They call roti sai mai. Roti sai mai. Roti sai mai. Thank you. How's it? It's very tasty. Sweet, right? Yeah. You ready? Yeah. Auntie, you want my toast? No, it's okay. Oh, you have one. I'm back at round two. Amazing. Sweet. I'm just messing with you. Joe's back for round two. So now we are leaving Ayodhya and heading over to the railway station because we are going far in the north to Chiang Mai. And you know what? It's my kind of place, and you will know why. So that's how we have reached the railway station. Pehli baar India se bahar railway station pe. सर बहुत सीरियस लग रहे हैं मुझे। खैर ये सब छोड़ो, अंदर चलते हुए एक सीट भी लेना जरूरी है ना भाई। और किसी का गंदा सूटकेस बर्बाद करते हुए। It's so clean. आप ऊपर सो रहे हो? नहीं, तो वो गंदा क्यों कर रहे हैं? एक पे व्लॉग करते हैं जो इतने इनके सुपर स्मूथ सिनेमैटिक शॉट्स आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं। देखिए अति सुंदर। We are in Chiang Mai right now, kind of a place full of nature.
आई मीन यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाके हो जाएगा। और यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा, मतलब वहाँ पे साउथ साइड में बैंकॉक साइड में वहाँ थोड़ी गर्मी थी, यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली माउंटेन्स माई काइंड ऑफ प्लेस। Yes, now we know. Good. Thank you. And you should make every moment count. Do you know that? Yeah. It's yellow, yellow. Thank you. Hello guys. Ashton 200K cross karte. What's up? So we are directly heading over to the breakfast. Uske baad Elephant Nature Park jana hai hame. Zyada time nahi hai. It's already 8 right now and we have to leave by 8:30. So hum yahan pe apna samaan rakhenge farad se. We'll go to Elephant Nature Park. Yeah. Elephant. Now we're just exploring this jungle park. ऐसे इस अच्छे वेदर में बस घूमते रहो और I'll show you. एलिफेंट नेशनल पार्क में डॉग्स एंड कैट्स भी है जिसको रेस्क्यू किया जाता है और जिसको बचाया जाता है यहाँ पे। पता है इस नेशनल पार्क को किसी लेडी ने स्टार्ट किया था, उसके फादर एलिफेंट्स की मेडिसिन में कुछ तो वर्क करते थे, सो शी हैड एन आइडिया कि एलिफेंट्स को कैसे रेस्क्यू किया जाता है और उन्होंने यहाँ पे आके स्टार्ट किया, जो कि सर्कस वगैरह से अलग अलग जगह से रेस्क्यू करके यहाँ पे बचाते हैं, उन्हें यहाँ पे रखते हैं। और आई गेस इस जगह को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, सो दिस इज़ लाइक ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसको कंपनी स्पॉन्सर करती है, टूरिस्ट स्पॉन्सर करते हैं, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो इफ यू आर इन चेंग मई यू शुड विजिट दिस प्लेस, इट्स सो पीसफुल एंड इट्स ब्यूटीफुल आउट हियर एंड यू विल सी लाइक हाउ दीज एनिमल्स आर ट्रीटेड। पता है हम बस खाना खा के बैठे ही थे and that moment came which I was waiting for. Barish. सो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मैं आपको अगले पार्ट में मिलूंगा। थाईलैंड में हम चेंग मई में थोड़ा और एक्सप्लोर करने वाले, बहुत सारे वाटरफॉल्स पे जाएंगे, बहुत सारे माउंटेन्स पे जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।